अगर किसी मर्द ने ऐसे औरत के साथ सोहबत कर लिया जो गाफिल सो रही थी, गाफिल सो रही थी और जिसके साथ सोहबत कर लिया उसको मालूम भी नहीं चला, या वो औरत जो बेहोश है, मर्द ने उसी के साथ सोहबत कर लिया रोज़े के हालत में, तो क्या इसका रोज़ा बाकी रहता है या नहीं? एक हुक्म हो गया, ठीक है। इसमें मर्द का क्या हुक्म है और औरत का, दोनों का क्या हुक्म है? नंबर पहला, जो औरत है इस पर सिर्फ़ और सिर्फ कज़ा लाजिम है, और मर्द पर कज़ा और कफारा दोनों लाजिम है। ऐसे सूरत में अगर औरत गाफिल सो रही हो और इसके साथ सोहबत हो गया तो औरत पर सिर्फ और सिर्फ कज़ा है, और मर्द पर कज़ा और कफारा दोनों लाजिम है। समझ में आ गई बात?